केएलआरएस में गड़ियल अधिकारी एवं वन अधिकारी द्वारा मैप फोर्स के दो दिन से लगातार अवैध चंबल रेत के ट्रैक्टरों और अवैध पत्थरों से भरे ट्रैक्टर पर कार्रवाई जारी है। केएलआरएस में प्रतिदिन एक सैकड़ा से अधिक ट्रैक्टर चंबल रेत से भरे थाने के सामने से गुजरते थे, लेकिन उन पर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। जिसकी सूचना जिला वन अधिकारी श्रद्धा पांडे को मिली तो उन्होंने केएलआरएस में आकर वन विभाग टीम को साथ लेकर रेत माफियाओं के ट्रैक्टर को पकड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी, जिसमें तीन ट्रैक्टर चंबल रेत से भरे और एक ट्रैक्टर पत्थर से भरा हुआ जब्त किया है। सिद्धा पांडे ने बताया कि कार्रवाई प्रतिदिन जारी रहेगी। पकड़े गए चंबल रेत से भरे ट्रैक्टरों को कलर थाने में रखवाया गया है और पकड़े गए ट्रैक्टरों पर रासात की कार्रवाई की जा रही है। अधीक्षक चंबल गड़ियाल मुरैना सिद्धा पांडे की कार्रवाई से केलर थाना क्षेत्र के रेत माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है एवं क्षेत्र के लोग वन विभाग की कार्रवाई को सराहना दे रहे हैं। पकड़े गए ट्रैक्टरों पर नंबर प्लेट भी नहीं है। आपको बता दें कि अवैध रेत माफियाओं पर केएलआरएस क्षेत्र में यह सबसे बड़ी और पहली कार्रवाई है और माफियाओं द्वारा पकड़े गए ट्रैक्टरों को छुड़ाने का काफ़ी प्रयास किया गया, लेकिन वे असफल रहे। कार्रवाई में मुख्य रूप से अधीक्षक चंबल कड़ियाल देवरी, श्रद्धा पांडे, प्रदीप शर्मा बनपाल, बनवारी बलवीर प्रसाद शर्मा बनपाल, नलवीर परमार वनरक्षक, श्रीनिवास शर्मा वनरक्षक आदि मौजूद रहे।